सो फ्रेंड्स, फाइनली आई गॉट माई न्यू सेविंग मशीन। ये जैक का F4 मॉडल है, जो कि घरेलू यूज़ के लिए बेस्ट सिलाई मशीन है। इसमें कुछ छोटे छोटे बट काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। इसे आप किसी भी सेविंग मशीन शॉप से या फिर ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को अपनी न्यू सेविंग मशीन का विज़िट कराती हूँ। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको अपनी न्यू सेविंग मशीन। ये देखिए, ये जैक F4 का मॉडल है और ये आपको ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा। वैसे मैंने तो इसे सेविंग मशीन शॉप से ही परचेस किया है। देखिए, यहाँ पर हमारी सेविंग मशीन जो है, उसका पूरा आपको मैं विज़िट करवाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है, इस मशीन में जो पिन दिया रहता है हमें, प्लग पिन, तो ये जो नॉर्मल हमारा सॉकेट होता है उसकी पिन से जो है थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। तो इसके लिए आपको सॉकेट बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा आपको किसी भी जो है इलेक्ट्रिशियन शॉप पे मिल जाएगा। उसमें आप इसे अटैच करके फिर इसे अपने जो प्लग बोर्ड है हमारा, सिंपली उसमें हम अटैच कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका प्लग पिन होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, तो हमारे प्लग बोर्ड में अटैच नहीं होती। अब हम यहाँ पर स्विच ऑन कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में हम जो है यहाँ से हमारा जो स्विच बटन है उसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद में आप देखिए, ये लाइट अगर आप चालू रखते हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली चालू रहेंगी। और उसके बाद में यहाँ पर है प्लस माइनस, यानी कि हमारी जो मशीन की स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है यहाँ से। इसका मतलब एक्सीलेटर आपको पूरा दबाना है, लेकिन स्पीड कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से। और यहाँ पर है हमारी जो मशीन का जो हमारी स्टिचिंग होती है, उसका साइज़ कम ज़्यादा होगा सिलाई का। तो यहाँ पर 1 से 5 तक के आपको सिलाई मिल जाएंगी, छोटा बड़ा साइज़। तो इसे प्रेस करने के बाद ही आप उसे घुमाइए। और यहाँ पर है हमारा जो है धागे का स्टैंड है, जिसमें हम हमारा जो है धागे की रील लगाएंगे, तो उसके लिए स्टैंड है। यहाँ से हमारी बॉबिन जो है भरती है, तो बॉबिन का यहाँ पर स्टैंड है। इसको आप इस तरह प्रेस करके फिट कर लीजिए, उसके बाद में बॉबिन भर सकते हैं। और बॉबिन भरने के बाद में यहाँ पर हमें थ्रेड कट करने के लिए एक कटर दिया होता है, जो ईज़िली हम कट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो है सिलाई के लिए धागा आता है, जिसे हम अलग अलग होल में से लेकर आके निडल में डालते हैं। और यहाँ पर है हमारी जो है बटन है, जिसमें LED लाइट लगी हुई है। तो ये दो अलग अलग मतलब लाइट जलती है, यानी कि कम पावर और ज़्यादा पावर, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। अब यहाँ पर एक ये पार्ट है, जिससे हमें जो है अपना प्रेस फूट जो है ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ में आता है। ये प्रेस फूट है, प्रेशर फूट। प्रेशर फूट को आपको पीछे से उठाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल मशीन में होती है, वो उस पार्ट से यूज़ करके आपको करना होता है। और ये हमारा एक्सीलेटर है, जिससे हमारी मशीन जो है चलती है, यानी कि सिलाई आती है। अब ये हो गया हमारा स्टैंड, जिसमें आप अपने यूज़फुल जितनी भी चीज़ें होती है उसे यहाँ रख सकते हैं, जैसे कि बॉबिन्स हो गई, अलग अलग आप थ्रेड भरे हो तो बॉबिन्स यहाँ पर रख सकते हैं। और ये चौक या टेप, आप जो भी यूज़ करते हो सिलाई के वक्त, और थ्रेड वगैरह। अब यहाँ पर हमारा जो है साइड में एक ड्रॉस दिया होता है, जिसमें आप अपने सीज़र या फिर जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। और यहाँ हमें 1 मीटर की जो है, टोटल 1 मीटर की स्केल पट्टी दी हुई है,
तो आपको टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मशीन पर बैठने के लिए। यहाँ पर हमारा जो है ये ऑयल टैंक है, इसमें ऑयल हमें भर के रखना होता है। थोड़ा थोड़ा बार बार ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ में यहाँ पर पंप लगा होता है, जिससे पंप की मदद से जो है मशीन ऑटोमेटिकली ऑयल लेते रहती है। और हमारी मशीन जो है उसे बार बार हमें ऑयल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हमारा ये ऑयल टैंक का लेवल कम होता है तो हमें ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो हमें वापस से इसमें ऑयल डाल देना होता है। अब ये हमारी बॉबिन है, बॉबिन की जो बॉबिन जो होती है वो सेम हमें शटल होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है हमारा नॉर्मल मशीन की तरह। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है प्लस माइनस जो है, इसे प्लस दबाने के बाद में ये पी माइनस नीचे आ गया है। एक मिनट मैं बताती हूँ सिलाई करके। ये देखिए हम सिलाई लगा रहे तो ये नीडल हमारा अंदर ही रहेगा, यानी कि माइनस जो नीचे आया है उसमें हमारी नीडल जो है नीचे ही रुकेंगी। जब भी आप सिलाई लगाओगे तो वो नीडल नीचे ही रुकेंगी। अब हम प्लस को प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे तो ये माइनस ऊपर चले गया। इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी सिलाई लगाएंगे तो हमारी नीडल जो है वो ऊपर की तरफ रुकेंगी। हमें हाथ तो सिर्फ सिलाई कपड़े की तरफ ही लगाना है, चक्के पे हमको साइड में जो है हाथ नहीं लगाना पड़ता सिलाई के वक्त, कि हमें नीडल ऊपर रोकना है या नीचे रोकना है उसके कोई मसला नहीं है। अभी देखिए ये हम प्लस जो प्रेस करके रख रहे हैं, मतलब हमारी जो है सिलाई की स्पीड जो है बढ़ रही है। इसमें 40 तक के हमें सिलाई की स्पीड मिलती है। अभी मैंने 30 पे लगाया है, 30 पे बस आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है और अपनी सिलाई की स्पीड आपको देखनी है। स्टार्टिंग में आप कम स्पीड पर ही सिले, क्योंकि हमें जो हैबिट नहीं होती। ये देखिए अब हमने 40 पे कर दिया, अब वापस से ये 40 के बाद 5 पे आ जाता है, यानी कि 5 हमारी सबसे कम स्पीड है और 40 हमारी सबसे हाई लेवल की स्पीड है। तो 5 पे अभी हम चला रहे हैं। 5 पे चलाने के बाद में अब हम वापस से बढ़ाएंगे स्पीड। ये 40 आ गया हमारा हाई लेवल की स्पीड। अब इस पे आप देख सकते हैं बहुत तेज़ स्पीड लेती है ये, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर आप न्यू मशीन लें तो इतनी ज़्यादा स्पीड पे बिल्कुल भी सीने की कोशिश ना करें, वरना आपका हाथ भी आ सकता है इसमें। और सिलाई तो बहुत ही अच्छी आती है, इसकी सिलाई देखने ही नहीं पड़ता हमें, बाकी मशीन से एक सा की सिलाई आती है और बहुत ही सुंदर सिलाई आती है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हैं जो मुझे बहुत पसंद आए मशीन में, और मैं बहुत खुश हुई है जैक की मशीन लेकर, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी हमेशा, मेरी सिलाई मशीन जो है वो बिगड़ जाती थी, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते थे। मगर जब से मैंने ये जैक मशीन ली है मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही सिंपल सब मेथड है। अब देखिए ये जो है हमारा ये टिप बटन है, इसे हम एक बार, अगर हमको सिर्फ एक ही इसमें टाका लेना है, एक ही सिलाई लेना है, तो हमें एक बार प्रेस करना है। और अगर धीरे धीरे चलाते रहना है, जिस तरह से हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कफ बनाते, कॉलर बनाते, तो उसके लिए हमें कर्व में लेना होता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है जिससे फास्ट हो जाती है हमारी सिलाई, तो उसके लिए ये बटन दिया हुआ है ताकि आप स्लोली स्लोली इसे सिल सके। तो बताइए आपको कि मेरी ये जैक मशीन आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे आप इसका प्राइस भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसके आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग ऑन माय वीडियो।